अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान इम्तियाज़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैरियर्स, चैप्टर नंबर 1, 9 क्लास, लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। अगर वो लेक्चर आपने नहीं लिया तो लेफ्ट साइड पे टॉप पे एक लिंक नज़र आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करके वो लेक्चर ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या कंटिन्यू करना है, कैरियर्स के। अगर किसी स्टूडेंट ने बायोलॉजी रखी है तो आगे वो कौन कौन से प्रोफेशंस सेलेक्ट कर सकता है, कौन कौन से शोभा जात हैं जिसे वो सेलेक्ट कर सकता है। तो जब कोई स्टूडेंट कोई प्रोफेशन सेलेक्ट करता है तो उसे किस बात का ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आपके पास है एडवांस नॉलेज में आपने ये देखना है कि जो नॉलेज है वो वक्त के साथ साथ एडवांस होती जा रही है, तो उसके हिसाब से जो आपका प्रोफेशन है वो होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आपके पास के रिसर्च टॉपिक, कि आपने देखना है कि करंट एरा के अंदर आपके आपको कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं और उसके मुताबिक कौन कौन से रिसर्चेज हैं। तो प्रोफेशन देखें तो फर्स्ट प्रोफेशन आपका है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन मतलब अद्वियात और सर्जरी मतलब जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, हम डायग्नोस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। डायग्नोस का मतलब होता है कि किसी भी बीमारी का पता लगाना। कोई शख्स आपके पास आया है और अलामतें बता रहा है कि मुझे ये चीज़ है, मुझे फॉर एग्जांपल सर दर्द है, मेरे चेस्ट पे पेन हो रही है, तो आपने पता लगाना है कि उसको बीमारी कौन सी है। ये चीज़ आती है डायग्नोस के अंदर। उसके बाद उसका इलाज करना ट्रीटमेंट कहलाता है। तो ट्रीटमेंट आपने किस तरह करना है, आपने उसको अद्वियात देनी है, मेडिसिन देनी है जिससे वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद सर्जरी के अंदर आप क्या देखते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा हिस्सा जो कि मुकम्मल तौर पर अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर रहा हो, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए हमारे पास, तो हमारे पास इसकी एग्जांपल है किडनी स्टोन की। अगर आपकी किडनी में कोई स्टोन आ जाए तो सर्जरी करके हम उसे रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ट्रांसप्लांट है। ट्रांसप्लांट मतलब कोई आपका ऑर्गन जो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा प्रॉपर तौर पर, उसको रिप्लेस कर देना किसी और ऑर्गन के साथ। आपके हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं आजकल, किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, तकरीबन जितने भी ऑर्गन है सारे ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो ये प्रोफेशन आप किस डिग्री के बाद सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने MBBS किया, ठीक है, MBBS के बाद आप ये जो प्रोफेशन है ये सिलेक्ट कर सकते हैं। फिशरीज आपके पास सेकंड प्रोफेशनल है। इसके अंदर हम फिश की प्रोडक्शन को, उसकी क्वांटिटी को और उसकी क्वालिटी को देखते हैं। पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट है जो कि फिशरीज के मुतालिक है, उसको हम कहते हैं फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान। आप अपनी स्टडी के बाद ये प्रोफेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा, आप जूलॉजी कर सकते हैं या फिर आप फिशरीज के अंदर बैचलर या मास्टर कर सकते हैं, उसके बाद आप ये प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो आपके पास आपके प्रोफेशन है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर हम ज़राअत के बारे में मुताला करते हैं कि जो आपने फसल उगाई है उसको आपने पैदावार में किस तरह ज़्यादा करना है, उसके अंदर होने वाली जो बीमारियां हैं उससे किस तरह डील करना है आपने, उसकी जो सारी स्टडी है वो उसके अंदर हम डील करते हैं। लाजमी नहीं है कि हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें हम सिर्फ फसलों के बारे में बात करेंगे, उसके साथ जो एनिमल्स हैं जिससे हम फूड हासिल करते हैं उनके साथ भी डील करेंगे हम इस प्रोफेशन के अंदर। उसके अलावा ऐसे लोग जो कि ये प्रोफेशन सेलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरिस्ट। उनका काम क्या होता है, क्रॉप्स और एनिमल्स के अंदर बेहतरी लेके आना। नेक्स्ट जो आपके पास आपका प्रोफेशन है उसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इसके अंदर आप एनिमल्स के बारे में डील करते हैं। ये ब्रांच है एग्रीकल्चर की जिसमें हम सिर्फ एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल मतलब जो फालतू जानवर होते हैं उनको हम केयर करते हैं, ठीक है, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी ब्रीडिंग करते हैं इसके अंदर। अब इस प्रोफेशन को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आपको किस तरह की स्टडी करनी पड़ेगी, आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी के बाद आप ये प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोफेशन जो आपका है वह हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी ब्रांच है एग्रीकल्चर की, लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। कौन कौन से प्लांट होते हैं इसके अंदर आपके पास, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। ऑर्नामेंटल प्लांट कौन से होते हैं, जो कि सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, घर में लगाते हैं, बाहर लगाते हैं, आप अगर चले जाएं बागात में वहाँ पर जो सजावटी प्लांट होते हैं, ठीक है, वो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, उनके बारे में हम डील करते हैं इसके अंदर। उसके अलावा फ्रूट प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में इसके अंदर हम डील करते हैं, ठीक है। उनकी बेटरमेंट हम देखते हैं, उनकी वराइटी हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी पैदावार किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, उनके अंदर जो बीमारियाँ आती हैं उनके साथ किस तरह डील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस प्रोफेशन के अंदर हम डील करते हैं। उसके अलावा ये प्रोफेशन आप किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन करते हैं बायोलॉजी के अंदर तो आप ये प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट प्रोफेशन जो आपका है वो है फार्मिंग। फार्मिंग में आप क्या करते हैं, आप डेवलपमेंट
और मेंटेनेंस करते हैं फार्म की। फार्म कोई भी हो सकता है, इसके अंदर एग्जांपल आपके पास है पोल्ट्री फार्म है जिसके अंदर आप मुर्गियां रखते हैं और उससे आप पैसे कमाते हैं। उसके अलावा फ्रूट फार्म में आप ट्रीज लगाते हैं जिससे फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं और उससे आप पैसे कमाते हैं। इस प्रोफेशन को सिलेक्ट करने के लिए आपको कौन कौन से कोर्सेज आने चाहिए? आप एग्रीकल्चर के अंदर महारत रख सकते हैं, आप एनिमल हस्बेंड्री के अंदर महारत रख सकते हैं, उसके अलावा आप फिशरीज के अंदर महारत रख सकते हैं, उसके बाद आप फार्मिंग आराम से कर सकते हैं, आप कोई भी फार्म खोल सकते हैं। अगर आपने एक फील्ड सिलेक्ट कर ली है जो कि बहुत अच्छी है लेकिन आपका इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल भी नहीं है तो आपके लिए वो बेकार है। तो जब भी आपने कोई प्रोफेशन सिलेक्ट करना है तो आपने डिमांड और स्कोप के साथ साथ अपना इंटरेस्ट भी उस प्रोफेशन में लाजमी देखना है ताकि आपको काम करने में मजा आए। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। अगर आपने कोई बात डिस्कस करनी हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।